हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी। और इसी सीरीज में हम क्लास 11 तक पहुंच चुके हैं। रिमेनिंग जो क्लासेस थी उनकी एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली है। क्लास 11 की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क को हम पढ़ रहे थे, और जिसके फर्स्ट 6 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, आई एडवाइज यू कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट में वो लेक्चर मिल जाएंगे। आप जाके उन्हें देखिए, वो आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि है फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे चार मुद्दों पर। पहला कि फेडरलिज्म होता क्या है, दूसरा कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस फेडरलिज्म को लेकर क्या प्रावधान रखे गए हैं। तीसरा हम जानेंगे कि सेंटर और स्टेट में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है कुछ पावर्स को लेकर तो वो क्या हैं। और चौथा हम देखेंगे कि कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, स्पेशल प्रावधान उनके लिए हमारे संविधान में लिखे गए हैं, वो क्या हैं, क्यों हैं। ठीक है, इन्हीं सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये मैप को देखें जो बुक में दिया गया है। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो आज हम राज्य देखते हैं उस तरह की बाउंड्री नहीं थी। बहुत से राज्य एक मर्जिस थे, उनको सेपरेट नहीं किया गया था। लेटर ऑन जो आज का प्रेजेंट हमारा मैप है, दैट इज लाइक दस। ठीक है, बहुत सारे नए राज्य बनाए गए हैं पुराने राज्यों को निकालकर, उनको तोड़कर, उस पर सेपरेट कर, ताकि हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिले और उनकी जो है प्रोग्रेस जो है सही मायनों में हो पाए। ठीक है, चलिए तो फेडरलिज्म क्या है, बात करते हैं यूएसएसआर की, जो कि सोवियत यूनियन। एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर दो गुटों में विभाजित था पूरा वर्ल्ड, एक तो यूएसए अमेरिका का और एक सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन लेटर ऑन सोवियत यूनियन से वो सेपरेट हो गए। आज हम देखते हैं तो रशिया ही एग्जिस्ट करता है सिर्फ, बाकी सारे राज्य अपने अपने स्टेट्स जो हैं या आप उन्हें कंट्रीज कहें, वो सेपरेट होकर अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाती हैं। मेन रीजन क्या था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, वो ये था कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया था, कि पावर जो है वो एक रीजन पे कॉन्सेंट्रेट होकर रह गई थी। बाकी जितने भी कंट्रीज थी जो कि यूएसएसआर की पार्ट थी, उनको इक्वेट, आप एक तरह से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही थी, उनके कल्चर्स को, उनकी राइट्स को उतनी महत्ता नहीं मिल पा रही थी। तो फाइनली क्या होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसी तरह से वर्ल्ड में और भी बहुत से देश हैं। हम पाकिस्तान का एग्जांपल लें, जब हमारा देश आजाद हुआ, पार्टीशन हुई, तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी था। ठीक है, बट क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को, नागरिकों को नहीं रिप्रेजेंटेशन मिली, उनकी बातें नहीं सुनी गई, लेटर ऑन एक सेपरेट कंट्री की तरह वो इमर्ज होता है और पाकिस्तान से वो अलग हो जाता है और आज के डेट में दैट इज अ बांग्लादेश। तो पार्टीशन, पार्टीशन का मेन रीजन, चाहे आप इसका एग्जांपल लेंगे, और बहुत सी कंट्रीज के एग्जांपल दिए गए यहाँ, जैसे यूगोस्लाविया हो गया, ठीक है, उज्बेकिस्तान की बात की गई है, चेक स्लोवाकिया की बात की गई है, ये जितने भी कंट्रीज हैं इनकी पार्टीशन का मेन रीजन तब होता है जब पावर की सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर ऑफिस में, ऑर्गन में पावर कंसंट्रेट होके रह जाए और बाकी जो भी मेंबर्स हैं, बाकी जो भी पार्ट है कंट्री के, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना मिले, उनकी बातें ना सुनी जाए, इट लीड्स टू पार्टीशन। बट हम देखते हैं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ है और तब से डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, वर्ल्ड में से सबसे मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज और कंट्री, रिलीजन में, कम्युनिटी में, कास्ट में, हर तरीके से डाइवर्सिटी। स्टिल हमारे देश में पार्टीशन नहीं हुई, उसका एक ही रीजन है, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे सरकार दो स्तरों पे काम करती है, दो स्तरों की सरकार होती है, जो पावर स्ट्रक्चर है वो टू लेवल पे डिवाइड होता है, एक आपका सेंटर, एक स्टेट। सेंटर मींस कि जो केंद्र सरकार है, जो कानून बनाएगी, वो पूरे देश पे लागू होगा, पूरे देश को एज अ होल ही उसके आगे बढ़ने के लिए काम करेगी। साथ ही दूसरे लेवल पे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि अपने स्टेट में, अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करेगी और जो भी वो कानून बनाएगी वो उसके पर्टिकुलर विद इन अ बाउंड्री लागू होंगे। ठीक है, अब आप देखिए हमारे देश में डिफरेंट, आप ज्योग्राफिकली देखें, ठीक है, फिजियोलॉजिकली देखें, अलग अलग लोकेशन पे स्टेट्स हैं और उन सबके नीड्स, डिमांड्स भी अलग हैं, कल्चर अलग है, डिमांड्स अलग है। तो सेंटर में बैठी गवर्नमेंट उन सबकी नीड्स को ना ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है, ना ही कॉम्प्रिहेंड कर सकती है, जबकि जब स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, लाइक केरल की गवर्नमेंट है, वो बेटर जानती है कि केरल में क्या क्या तरह की नीड्स है, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है, किस किस चीज पर फोकस करना है। ठीक है, जेएनके की गवर्नमेंट बेटर नोज अबाउट जेएनके,
ठीक है, आप नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न में जो लोग रहते हैं, वहां की गवर्नमेंट है, वहां के लोग बेटर जान सकते हैं उसके लिए। ठीक, तो जो फेडरलिज्म होता है दो लेवल पे पावर को डिवाइड करता है, दो लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, एक सेंटर पे जो पूरे देश को एज अ होल लेकर चलती है, उनके लिए काम कानून बनाती है, और स्टेट जो अपने स्टेट के लिए अपने मुद्दों पे फोकस करती है। इस तरह से हर एक नागरिक को एक भरोसा हो जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, और उन्हें है कि उनके कल्चर्स, उनके राइट्स सबकी आप एक तरह से कहें प्रोटेक्शन हो रही है। ठीक है, और यस ठीक है, सो ये मैं आपको बता चुकी कि डाइवर्सिटीज है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज द मेन रीजन फॉर इंडिया यूनिटी फ्रॉम 1947 टिल डेट। ठीक है, तब तक अभी तक वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज में डिवीजन हुई है हमारे देश में नहीं हुई है। ठीक है, फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल विच आर अप्लाइड टू अ डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशन। कहने का ये मतलब है कि जो फेडरलिज्म है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि दो लेवल पे स्ट्रक्चर काम करता है, दो लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, ये फिक्स्ड रूल्स पे वर्क नहीं करता। वर्ल्ड में बहुत सी कंट्री हैं जहां पे फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है, दो लेवल की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं, बट उन सबके रूल्स, उनके काम करने का तरीका वेरी है। जैसे हम बात करें अमेरिकन फेडरलिज्म की, यूएसए एक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे भी फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो फेडरलिज्म हमारे इंडिया के फेडरलिज्म से टोटल डिफरेंट है। ठीक है, वहां का फेडरल, क्योंकि जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में केंद्र के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर के पास ये पावर है कि वो स्टेट्स को डिवाइड कर सकती है, मर्ज करके एक स्टेट बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर, छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है, उत्तरांचल बना है। ठीक है, इस तरह से स्टेट्स बनी है। अब ये पावर है किसके पास? सेंटर के पास, पार्लियामेंट के पास, है ना, हमारे संसद के पास, उनके पास पावर है। कहने का मतलब स्टेट्स जो है वो परमानेंट नहीं है, उनको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उनकी बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, वो पार्लियामेंट के पास है। बट जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए का जो सेंटर है उसके पास स्टेट की बाउंड्री चेंज करने की पावर नहीं होती। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होता। तो फेडरलिज्म जो अमेरिका का है और इंडिया का है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, सो फेडरलिज्म का समझे तो मेन पॉइंट है टू सेट ऑफ गवर्नमेंट, एक जो सेंटर के लेवल पे काम कर रहा है, एक जो स्टेट के लेवल पे काम कर रहा है। हमारे देश पे एक और स्तर बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, और वो क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वो कौन सा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पे हमारी आ जाती है पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो थर्ड स्तर हो गया उसका। ठीक है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फेडरलिज्म, सही हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, देयर इज अ टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज। टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज का क्या मतलब है कि फॉर दैट मैटर अगर हम कहें कोई पर्सन जो है राजस्थान का रहने वाला है तो वो राजस्थानी भी है और भारत का नागरिक भी है। ठीक है, राजस्थानी इन द सेंस कि वो उसकी स्टेट का पार्टिसिपेंट। ठीक है, सिटीजनशिप की बात करें तो वो हमारे पास एक ही है। ठीक है, लेकिन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही बिलोंग्स टू राजस्थान ऑल्सो, राजस्थान का कल्चर, उसकी इकोनॉमी उसमें उसका है, साथ ही वो एक भारत का नागरिक भी। तो दो तरह की आइडेंटिटीज भी होती है फेडरल में, दो टाइप की पॉलिटीज, दो टाइप की गवर्नमेंट एंड दो टाइप की आइडेंटिटीज ऑफ अ सिटीजन। ठीक, नेक्स्ट है कि जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भी दो सेट ऑफ पॉलिटीज हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, कितनी पावर किसके पास होगी, किस तरह से उनको चुना जाएगा, कितना काम वो कर सकते हैं, इन सब के बारे में संविधान में लिखा गया है। रिटन रूल्स होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन प्रोविजंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब अगर अब दो स्तरों की पॉलिटीज है तो ये कॉमन है कि एक सेंटर है, एक स्टेट है, तो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर विरोधाभास होगा ही कि हमने जो कानून बनाया वो सर्वोपरि है, कि आपका कानून सर्वोपरि है, कि हमें ये राइट मिलना चाहिए, हमें ये पावर मिलनी चाहिए। ऐसा कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, वो हो सकता है, और ऐसा कन्फ्लिक्ट होगा तो उसे कौन सुलझाएगा, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज जुडिशरी, जो कि इंडिपेंडेंट होगी। वो किसी भी सरकार के अधीन नहीं होगी, किसी की सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगी, उसे सरकार उसके चुनने में, उन्हें ट्रांसफर करने में, उन्हें निकालने में सरकार का कोई भी काम नहीं होगा। वो इंडिपेंडेंट होगी और बहुत आप एक तरह से कहें फ्री और फेयर तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको सॉल्व करेगी। ठीक है, तो दीज आर द फोर मेजर पॉइंट्स ऑफ व्हाट इज फेडरलिज्म। टू सेट ऑफ पॉलिटीज, टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजंस होंगे, एंड अ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच विल बी सेटल द डिस्प्यूट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए
ओके नाउ, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में हर जगह फेडरलिज्म सेम नहीं है, देयर इज डिफरेंट. ठीक है, हमने अमेरिका का एग्जाम्पल देखा कि अमेरिका का फेडरलिज्म जो है वो इंडिया के फेडरलिज्म से बहुत डिफरेंट है. ठीक है, जब हम अमेरिका के फेडरलिज्म की बात करते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट. सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है फेडरलिज्म इन नाइजीरिया कि वो किस तरह से डेवलप हुआ, क्यों आया, ये एक केस स्टडी आप एक तरह से कहें वो बताई गई. ठीक है, और फेडरलिज्म, कोई भी फेडरलिज्म, कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर होगा वो सक्सेसफुल तब होता है जब कॉम्युनिटीज, ठीक है, उनका एक दूसरे पर भरोसा हो, ट्रस्ट हो. अब हमारा देश का जब संविधान बना तो संविधान बनाने में किनका भागीदारी थी, हमारे देश के नेताओं की, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे काम किए थे. ठीक है, उन्होंने जो भी मॉरल्स या वैल्यूज देखी वो उन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में ही अर्न की और उन्हीं की वैल्यूज पे बेस जो है हमारे संविधान को बनाया गया और बहुत ही आप एक तरह से कहें ना बैलेंस वे में संविधान को बनाया गया. तो भारत के हर एक नागरिक को उन पर भरोसा था कि उन्होंने जो भी लिखा है या जो भी रूल्स वो बना रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है, बेस्ट है. और उसी तरह से कम्युनिटीज का भी एक दूसरे पर ट्रस्ट था, दैट्स व्हाई जो है फेडरलिज्म काम करता है. ठीक, अब नाइजीरिया का जब हम यहां एग्जांपल देखते हैं तो यहां पे कहा गया है कि 1914 में नॉर्दर्न और साउदर्न नाइजीरिया जो थे वो दो सेपरेट रीजन थे ब्रिटिशर्स के अंदर. ठीक है, एक था नॉर्दर्न, एक था सदर्न. उसके बाद जब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस बैठती है 1950 में तो नाइजीरिया के लीडर्स डिसाइड करते हैं कि अब इन दोनों को, नॉर्दर्न और साउदर्न एरिया को जो है मर्ज कर देना चाहिए. ठीक है, वहां पर 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स पाए जाते थे नाइजीरिया में, पाए जाते हैं, योरुबा, इबो एंड हाउसा फुला. ठीक है, तो ये 3 मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप्स वहां पर हैं और ये जो 3 हैं वो कंट्रोल करते थे वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ रिस्पेक्टिवली. यानी कि वेस्ट रीजन में योरुबा एथनिक ग्रुप था, ईस्ट में इबो और नॉर्थ में था हाउसा. ठीक है, इन तीनों एथनिक ग्रुप की हमेशा ये कोशिश रही कि वो दूसरे रीजन्स पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं. ईस्ट वाले चाहते थे कि वेस्ट भी उनके कंट्रोल में आ जाए, नॉर्थ भी उनके कंट्रोल में आ जाए, नॉर्थ वाले चाहते थे कि ईस्ट और वेस्ट भी उनके कंट्रोल में आ जाए. तो एक तरह से अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए ये तीनों कम्युनिटीज काम कर रही थी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन कम्युनिटीज के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ और फाइनली आ गई मिलिट्री रिजीम. मिलिट्री ने उस पर कंट्रोल कर दिया और 1960 में फेडरल और रीजनल गवर्नमेंट ज्वाइंटली कंट्रोल द नाइजीरियन पुलिस. ठीक है, और किसी भी स्टेट को यह हक नहीं दिया गया कि उनके पास अपनी सिविल पुलिस हो. ठीक है, लेटर ऑन 1999 में डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है, लेकिन स्टिल जो रिलीजन डिफरेंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो स्टिल अभी उनके बीच में है, इसको लेकर कि कौन सी कम्युनिटी का जो कंट्रोल है वो ऑयल के रिसोर्सेज पर होगा और वो आज भी नाइजीरियन फेडरेशन फेस कर रही है. तो ये एग्जांपल हमें क्या दिखाती है कि ऑल्दो फेडरेशन थी, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज थी, अलग अलग रीजन पे कंट्रोल था उनका, लेकिन एक दूसरे पर लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से फेडरेशन सक्सेसफुल नहीं होगी, मिलिट्री रिजीम को लाना पड़ा और आज भी कंफ्लिक्ट्स हैं. ठीक है, सो फेडरेशन की सक्सेस डिपेंड करती है ऑन द कोऑपरेशन एंड द ट्रस्ट ऑफ कम्युनिटीज. ठीक, सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ मिलकर तभी काम कर सकते हैं जब सेंटर और स्टेट कोऑपरेट करें, ट्रस्ट करें और एक दूसरे को प्रोग्रेस करने के लिए समर्थन दें, सिर्फ अपने रीजन पे या रीजनलिज्म पे वो बेस्ड ना हो. ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है कि हमारे संविधान में इस पर्टिकुलर फीचर को लेकर, फेडरलिज्म को लेकर क्या बातें कही गई हैं, क्या प्रोविजंस हैं. ठीक है, so even before independence most leader of our national movement were aware that to govern a large country like ours it would be necessary to divide the powers. ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि संविधान बनाने के लिए जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो ये जानते थे कि देश हमारा बहुत बड़ा है, विभिन्न है, तो ये जरूरी है कि देश को जो है दो स्तरों पे उसकी गवर्नमेंट, उसकी सरकार काम करे. ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा ध्यान में रखते हुए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और रीजनल डाइवर्सिटी. ठीक है, अब पॉइंट सिर्फ इतना था, क्वेश्चन ये तो डिसाइडेड था कि दो लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, कंफ्लिक्ट मिनिमाइज होने चाहिए, बट क्वेश्चन सिर्फ ये था कि किसको कितनी पावर मिलेगी. रीजनल गवर्नमेंट्स के पास, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनके पास कितनी पावर होगी और सेंटर के पास कितनी पावर होगी. ठीक है, सो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था ब्रिटिश
सरकार का जो है कंट्रोल था हमारे देश पे, उस टाइम पे मुस्लिम लीग बार बार ये अपनी आप एक तरह से कहें डिमांड रखती रही कि मुस्लिम लीग को ज्यादा से ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन मिले, उसकी जो मुस्लिम लीग को ठीक है, मुस्लिम लीग जो है बार बार ये एजिटेशन करती रही कि मुस्लिम्स को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या फिर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर हो। जैसे हमारे देश में अभी केंद्र सरकार होती है, उस टाइम पर वहां था सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलते थे उसे, और जो स्टेट है उस टाइम पे, क्योंकि स्टेट्स एज सच स्ट्रक्चर्स नहीं थे तो उन्हें कहा जाता था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक, तो मुस्लिम लीग की ऑलवेज इट वाज अ डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग कि मुस्लिम्स को दोनों स्तरों पर ज्यादा से ज्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, सो जब देश का विभाजन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ये डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड होगी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड सेपरेट पावर टू द स्टेट। ठीक, तो मुस्लिम लीग की डिमांड पे ये तो क्लियर हो गया था कि हाँ रीजनल्स को भी प्रोविंसेस को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। जो जब देश आजाद होता है, विभाजित होता है, तो हमारे संविधान निर्माता ये डिसाइड करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा और फेडरल स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि जो स्टेट है उनके पास एक अपना पावर स्ट्रक्चर हो और उनके पास अपना एक दायरा हो जहां पे वो कंट्रोल कर सके। ठीक, और ये जो फेडरल का स्ट्रक्चर हो ये कोऑपरेशन पे बेस्ड हो, सेंटर और स्टेट की कोऑपरेशन में, ऐसा ना हो कि एक दूसरे को ओवरशैडो कर रहा है, बट देयर शुड बी अ कोऑपरेशन। ठीक, सो आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया वो क्या कहता है, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि यूएसए की जब हम बात करते हैं तो उसके स्टेट्स को अलग नहीं किया जा सकता, उसके स्टेट की एक अलग आइडेंटिटी है, यूएसए एक अलग आइडेंटिटी है और स्टेट्स की एक अलग आइडेंटिटी है जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करके यूएसए बनाती है। ठीक है, उन्होंने एक साइन करके अपने आप को जोड़कर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। पर जब हम भारत की बात करते हैं तो स्टेट्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, स्टेट आर द पार्ट ऑफ भारत। ठीक है, सो इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट एंड द स्टेट्स एंड टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो स्टेट्स हैं वो भारत का अभिन्न अंग है और उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, वो जो पावर है दैट इज विद द पार्लियामेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड द डिवीजन ऑफ पावर, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो क्वेश्चन अराइज हुआ था, ये बात तो क्लियर हो गई थी कि देयर शुड बी अ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू पॉलिटिक्स, बट पॉइंट इज कि पावर किसको कितनी मिलनी चाहिए। ठीक, सो दो लेवल स्तर की गवर्नमेंट तो बन गई, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, मतलब संविधान में दोनों की बातें कही गई हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और राज्य केंद्र सरकार भी होनी चाहिए, दोनों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब वो चीज जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है, कोई कानून के बेस पे उसको पावर नहीं मिल रही है ना, वो कानून या बाद में कोई प्रावधान लाके नहीं कहा गया, वो जब संविधान बना तब से वो एग्जिस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें स्टेटस है दोनों का, और संविधान में बहुत क्लियर शब्दों में डिवाइड किया गया है उनके वर्क एरिया को, कि कौन सी गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगी, कौन सी गवर्नमेंट कौन से बचे हुए कानूनों पे सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगी। सब्जेक्ट्स मतलब एरिया, ठीक है, हेल्थ पे बनाना है, एजुकेशन पे बनाना है, एग्रीकल्चर पे बनाना है, ट्रांसपोर्ट पे बनाना है, कम्युनिकेशन पे बनाना है, फॉरेन अफेयर्स पे बनाना है, तो कौन सी सरकार किस मुद्दे पे कानून बनाएगी, ये भी क्लियर कट डिफाइन किया गया है किस पे, संविधान में। ठीक है, और इसके लिए मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल, जिसमें लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट है यूनियन, एक है स्टेट और एक है कंकरेंट और एक और आती है दैट इज रेजिडरी। तो यूनियन लिस्ट पे जितने भी मुद्दे हैं उस पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, स्टेट पे जितने हैं स्टेट लिस्ट में उस पे राज्य सरकार बनाती है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब है वो मुद्दे जिसपे दोनों बना सकती हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि दोनों ने कानून बनाया तो किसका कानून सर्वोपरि होगा या इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो वो होगा सेंटर का। और लास्ट में आती है रेजिडुरी पावर, मतलब वो सब्जेक्ट जो इन सभी लिस्ट में मेंशन नहीं है, कुछ ऐसे भी होंगे मुद्दे आते रहते हैं नए, तो वो उस पे कौन कानून बनाएगा, रेजिडुरी जो पावर है वो सेंटर के पास होती है, वो केंद्र के पास होती है। ठीक है,
इट शोज हाउ पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ठीक है, जो मैंने आपको बात की लिस्ट में, ये बताया गया किस तरह से पावर सेपरेट होंगी सबकी. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर इज दैट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर आर सेंट्रलाइज्ड. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो संविधान में लिखी गई है, ठीक है, एरिया ऑफ वर्क उनका सेपरेट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया गया, बट एक पावर है जो सिर्फ सेंटर के पास है. वो कौन सी पावर है? फाइनेंस की पावर. ठीक है, कि रेवेन्यू कहां से आएगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, टैक्स किस तरह से लगाए जाएंगे, वो जो पावर है दैट इज विद द सेंटर. ठीक है, द स्टेट्स हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वेरी मीगर रेवेन्यू रिसोर्सेस. ठीक है, जिम्मेदारी तो उनके पास बहुत है, कानून वो बहुत से एरिया में बना सकते हैं, लेकिन जब पैसों की बात आती है, रेवेन्यू की बात आती है, इनकम की बात आती है, तो उनके पास बहुत कम सोर्स है. मैक्सिमम वो अपने फाइनेंसिस के लिए वो दे आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट्स जो कि केंद्र सरकार से उनको मिलता है. ठीक, चलिए, दीज आर द लिस्ट जो मैं आपको बात कर रही थी कि सेवन शेड्यूल में लिस्ट है. ठीक, ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं. और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में कि पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में आता है कि कंट्रेक्ट लिस्ट में आता है कि सेंट्रल लिस्ट में आता है. तो यूनियन लिस्ट में डिफेंस है, एटॉमिक है, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, बैंकिंग, मतलब वो सारी चीजें जिसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे देश पे पड़ेगा. राज्य की बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस राज्य सरकार के अंदर होती है, प्रिजन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, पंचायत दैट इज अंडर द राज्य सरकार, स्टेट पब्लिक सर्विसेज हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया. ठीक, कंक्रेंट लिस्ट हो गया एजुकेशन. एजुकेशन पे दोनों बना सकते हैं, कंक्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जिसमें दोनों बना सकते हैं, फॉरेस्ट, ठीक है, अडल्ट्रेशन मिलावट, अडॉप्शन एंड सक्सेशन. ठीक है, अडॉप्शन जो गोद लिए जाते हैं बच्चे उनके बारे में रूल्स बनाना. ठीक है, देन ट्रेड यूनियंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर. तो इन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं. लास्ट में आता है रेजिडरी पावर, जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, उन पे बना सकते हैं कानून केंद्र सरकार. और उसका एग्जाम्पल है जैसे साइबर लॉस, क्योंकि उस टाइम पे साइबर क्राइम जैसी चीजें ही नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ही नहीं हुई थी. ठीक है, तो ये लेटर ऑन ऐड किया गया और इट इज विद द यूनियन गवर्नमेंट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जहां पे हमारे जो फेडरलिज्म की बात की जाती है, इंडियन फेडरलिज्म की बात की जाती है, जो कि संविधान में मेंशन है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट इज अ फेडरलिज्म विद अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट. हम फेडरलिज्म तो हैं, दो सेट ऑफ पॉलिटीज हैं, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, एरिया ऑफ वर्क भी डिफरेंट है, दोनों को अथॉरिटीज भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो ज्यादा स्ट्रांग है राज्य से, क्योंकि आफ्टर ऑल जो राज्य हैं वो मिलकर केंद्र को बनाते, वो केंद्र से अलग, मतलब भारत से वो अलग नहीं हो सकते. ठीक है, हमें कहीं ना कहीं भारत के विभाजन को रोकना है, ये नहीं कहना है कि हर एक स्टेट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. ठीक है, वहां पे कल्चर है, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है, स्टिल द सेंटर इज स्ट्रांग. और वो किस तरह से, कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो सेंटर को स्ट्रांग बनाते हैं, वो हम यहां देख लेते. ठीक है, सो सबसे ज्यादा जरूरी क्यों था कि सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर आए, उसका रीजन ये था क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लिंग्विस्टिक बोले, रिलीजियस बोले, तो अगर इंडिविजुअल स्टेट्स को इंपॉर्टेंस दे दी जाएगी, एक्सट्रीम पावर दे दी जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म की फीलिंग आ जाती है कि हमें सेपरेट होना है, सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए, देश से अलग होना है. और वो नहीं होना था, विभाजन नहीं करना था, हमें चाहिए था यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, फॉर हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही जो स्ट्रॉन्ग सेंटर को रखा गया था संविधान में बाय हमारे संविधान निर्माता. ठीक, तो उसका जो सबसे पहले फीचर अगर आप बात करें, ओके, क्योंकि यहां कहा गया है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो ना केवल यहां पे प्रोविंसेस थे, उस टाइम पे 500 के अराउंड प्रिंसली स्टेट्स भी थी, प्रिंसली स्टेट जहां पे राजा महाराजाओं का रूल था, तो 500 के करीब प्रिंसली स्टेट्स भी थी. तो उस वक्त अगर राज्यों को इतनी ज्यादा पावर दे दी जाती तो वो अपनी, आप एक तरह से कहें ना, राजे अपनी अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए विभाजित कर देते देश को. ठीक है, बिसाइड द कंसर्न फॉर यूनिटी, द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बिलीव दैट द सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ कंट्री शुड बी हैंडल फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. एक और रीजन था, पहला रीजन तो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, दूसरा रीजन था कि जो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स है देश की, ठीक है, आप कहें जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, भेदभाव की जो प्रॉब्लम थी, सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, दूसरी आप ले ले इकोनॉमिक की जो गरीबी की है, एजुकेशन कम है, उनको अगर हटाना है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की पावर है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम्स को अगर डील करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रांग सेंटर ही कर सकता है, क्योंकि राज्यों का दायरा तो सिर्फ अपनी अपनी बाउंड्री तक है ना, और ये जो प्रॉब्लम है इनका सर पूरे देश में है,
भेदभाव पूरे देश में था, पॉवर्टी हमारी बहुत ज्यादा थी जब देश आजाद हुआ, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, तो उस चीजों को हटाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना जो पूरे देश के आगे लेकर बढ़े वो जरूरी था, और दैट वाज द रीजन कि जो है फेडरलिज्म हमारे देश में स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ जो है टिल्टेड। कौन कौन से प्रोविजंस हैं? पहला कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट्स की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, स्टेट्स की जो बाउंड्री है, उसे पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल और तेलंगाना को बनाया गया अपनी दूसरी स्टेट से सेपरेट करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है एमरजेंसी। सेंटर जो है वो एमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है, पार्लियामेंट जो है एमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। एमरजेंसी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब देश खतरे में है, वॉर का टाइम चल रहा है, ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, और ऐसी कंडीशन पे केंद्र जो है वो राज्यों पे भी कंट्रोल कर लेता है, राज्यों की जो सरकारें होती है ना वो एक तरह से सस्पेंड कर दी जाती है, ठीक। सो इमरजेंसी के कंडीशन में भी जो सेंटर है वो स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी सेंटर गवर्नमेंट के पास काफी फाइनेंशियल पावर्स होती है, ठीक है। आप जीएसटी की बात करें, उसका रेवेन्यू आएगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी फाइनेंशियल कमीशन बैठती है, हर साल 5 साल बैठती है, बट वो सेंटर ही अपॉइंट करता है, वही डिसाइड करते हैं कि किस तरह से जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह से ग्रांट्स दिए जाएंगे, किस स्टेट को कितना ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर जो है वो स्ट्रांगली सेंटर के पास ही एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आता है गवर्नर, ठीक है। गवर्नर अक्सर ये कहा गया है कि मोस्टली जो गवर्नर होता है वो जो है इलेक्टेड नहीं होता, वो अपॉइंट होता है और उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और मोस्टली देखा गया कि कभी जजेस को, कभी चीफ जस्टिस को, इन सबको जब रिटायर हो जाते हैं उनको एज अ गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, और ये कहा गया है कि दे वर्क एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नर के थ्रू केंद्र जो है राज्य सरकारों पर अपना कंट्रोल रखते हैं, एक तरह से आप कहें सुपरविजन रखते हैं, ठीक है। हमने देखा प्रीवियस चैप्टर्स जब हमने पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेस के, तो हमने जब पावर ऑफ गवर्नर्स को भी डिस्कस किया था, तो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो बिल को जब साइन होने के लिए उसके पास आता है तो वो बिल को अपने पास रख सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ, फॉर कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट। वो ये कह के बिल पे सिग्नेचर करने से मना कर सकते हैं या अपने पास रिटेन रख सकते हैं कि उन्हें इस पर्टिकुलर मुद्दे पर अपने राष्ट्रपति से डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक तरह से हर कानून जो है सेंटर की निगरानी से होकर ही गुजरता है, ठीक है। एक और पॉइंट है कि कभी कभी जो केंद्र सरकार है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 7 शेड्यूल में लिस्ट मेंशन है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट ही कानून बनाती है, बट कभी कभी उन स्टेट लिस्ट पे मेंशन सब्जेक्ट्स पे सेंटर भी कानून बना सकता है, और उसको यह हक कौन देता है? उसको यह हक देता है राज्यसभा। राज्यसभा जब एक रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, जिसमें वो ये कहे कि हाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है पार्लियामेंट कानून बना सकता है, तो पार्लियामेंट उस पे कानून बना सकता है, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एग्जीक्यूटिव दैट वी हैव एन इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। हमने एग्जीक्यूटिव चैप्टर जब पढ़ा था हमने कहा कि एक इंटीग्रेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, जो आईएएस ऑफिसर सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पार्ट है, रिक्रूट उनको सेंट्रल एजेंसी करती है बट वो काम राज्यों में करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव में भी सेंटर का कंट्रोल है, ठीक। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको ना ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ना उनको रिमूव कर सकती है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी उनका एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनको रिक्रूट करती है, काम वो राज्यों में करते हैं, राज्यों में जो जितनी भी पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी आप एक तरह से कहें सर्विस कंडीशन में राज्य सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, तो एग्जीक्यूटिव भी कहीं ना कहीं स्ट्रांगली सेंटर के हाथ में होती है, ठीक है। आर्टिकल 33 एंड 34 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ, ठीक है। तो 33 और 34 आर्टिकल कहता है यहाँ पे पार्लियामेंट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिविल सर्वेंट्स को, चाहे वो स्टेट सिविल सर्वेंट हो या फिर सेंट्रल सिविल सर्वेंट हो, अगर मार्शल लॉ अला इनैक्ट हुआ है देश में, इट्स अ सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, उस टाइम पर उनकी सर्विस कंडीशन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट कैन वर्क, क्लियर। तो फेडरलिज्म क्या होता है ये हमें पता चल गया।
कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में फेडरलिज्म को लेकर क्या प्रावधान है, ये भी हमने देखा कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ टिल्ट करता है, किस तरह से वो हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया फेडरल सिस्टम, कि ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पे सेंटर को कहीं ना कहीं स्ट्रांग रखा गया है, उसकी वजह से क्या विरोध उत्पन्न होते हैं केंद्रीय और राज्य सरकारों में। ठीक है, वंस द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सेप्टेड इट इज क्वाइट नेचुरल दैट द स्टेट वुड एक्सपेक्ट अ ग्रेटर रोल एंड पावर। ठीक है, जब ये मान लिया जाता है कि हाँ स्टेट्स हैं, स्टेट्स में गवर्नमेंट होगी, उनके पास स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का हक होगा, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स की ये डिमांड रहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंस रहे, और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं केंद्रीय और राज्य सरकारों में होते रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से कहें इंटरेस्टिंग लाइन है जो अक्सर आप अपने आंसर्स राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ फ्रेमवर्क और स्केल्टन। ये मोस्टली आप अपना वे फॉरवर्ड जब करते हैं ना, जब आप मेन आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें एक आप इंट्रो देते हैं, देन देयर इज अ मेन बॉडी एंड देन यू एंड इट विद द कंक्लूजन और अ वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो वहां पे आप इस तरह से जो कोट्स है वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ फ्रेमवर्क और अ स्केल्टन, इट्स फ्लैश एंड ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। कहने का मतलब कि संविधान हमें सिर्फ एक रोड मैप दे देता है, एक स्केल्टन सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड कर देता है, लेकिन उसमें जान कौन डालता है, उसमें ब्लड कौन डालता है, वो पॉलिटिक्स है कि एक्चुअल में मूल रूप में उसका किस तरह से इंप्लीमेंटेशन हो रही है। उसने तो एक रूल्स लिख दिए ना, रूल्स लिख दिए गए हैं, प्रोविजन लिख दिए गए, पर उनको फॉलो किस तरह से हो रहा है, इंप्लीमेंट किस तरह से हो रहा है। तो ब्लड जो है दैट इज प्रोवाइडेड विद द पॉलिटिक्स। ठीक है, सो हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस होता रहा है पॉलिटिक्स से। जैसे कि यहाँ हम देखें 1950 और 1960 की अगर हम बात करें, तो जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे एक ही स्ट्रांग पार्टी थी, दैट इज कांग्रेस। सेंटर पे भी उसका कंट्रोल था, स्टेट पे भी उसका कंट्रोल था, तो इस तरह के कंफ्लिक्ट कभी अराइज ही नहीं हुए, क्योंकि स्टेट में भी एक ही पार्टी का रूल है और सेंटर में भी, तो कंफ्लिक्ट अराइज ही नहीं हुए। बट लेटर ऑन जब हम देखते हैं मिडल ऑफ 1960 के मिड में जाकर, ठीक है, जो दशक था 1960 का, 1960 से 70 का, उसके मिड में जाके हम देखते हैं कि कांग्रेस की जो एक तरह से पॉपुलैरिटी है ना, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही थी, कम हो रही थी। और उस वक्त जो है ओपोजिशन पार्टीज का एक तरह से आप बोले ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जब ओपोजिशन पार्टी अराइज हुई उस वक्त शुरू हुआ डिमांड फॉर ग्रेटर पावर एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, डिमांड ऑफ पावर एंड ऑटोनॉमी, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाए और ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दी जाए अपने पर्टिकुलर स्टेट में रूल करने के लिए। ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट दे सॉ अ नेसेसरी इंटरफेरेंस इन द गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज रूल कर रही है सेंटर पे और स्टेट पे, और अगर स्टेट सेंटर के निर्देशों के हिसाब से नहीं चलता तो स्टेट और सेंटर के बीच में हो जाते हैं कन्फ्लिक्ट। स्टेट कहती है कि आप अननेसेसरी हमारे कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं, रीजन वही क्योंकि पार्टीज अलग हो गई, पार्टीज अलग होगी तो उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो गई। ठीक है, सो इस तरह से आगे जाके 1990 का जब दौर आता है उस टाइम पे हम देखते हैं कोलिशन गवर्नमेंट का दौर। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जो कि इस साल भी हमारी एक क्लियर कट मेजोरिटी किसी सिंगल पार्टी को नहीं मिली है, एनडीए है, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बहुत सी पार्टीज ने मिलकर बीजेपी को कुछ और पार्टीज का समर्थन मिला है, एनडीए बना है एंड देन इट फॉर्म द गवर्नमेंट। और 1990 के दशक में भी ऐसा ही था, किसी भी एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली, और उस टाइम पे आया दौर कोलिशन गवर्नमेंट का कि कुछ पार्टीज ने मिलकर समर्थन देकर केंद्र में भी सरकार बनाई और राज्यों में भी अलग अलग पार्टीज का रूल था। उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो सबसे हाई लेवल पर हो गए। ठीक है, इट इज द सेकेंड फेज दैट द इशू ऑफ ऑटोनॉमी बिकम वेरी पोटेंट पॉलिटिकली। तो इस वक्त जो है कि आजादी का, कि हमें फ्रीडम मिले, हमें ज्यादा सत्ता में जो है रूल करने की हमें आजादी मिले, उसका जो क्वेश्चन है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया इस दौर में, क्योंकि केंद्र अलग है, राज्य सरकारें अलग है, केंद्र में भी बहुत सारी पार्टीज का जो है मिलकर बना। ठीक है, सो मैनी स्टेट्स एंड इवन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम डिमांडेड द स्टेट शुड हैव मोर ऑटोनॉमी वर्सेस गवर्नमेंट। तो टाइम से टाइम हर पार्टी ने भी ये डिमांड किया कि स्टेट्स के पास, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक राज्य स्तर की पार्टी है, वो कभी सेंटर में नहीं जा सकती, तो उनकी यही डिमांड थी कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले। ठीक है, समटाइम्स दीज डिमांड्स एक्सेप्ट दैट द डिवीजन पावर शुड बी चेंज्ड इन फेवर ऑफ स्टेट्स एंड मोर पावर्स
बी असाइन टू द स्टेट्स, ठीक है। तो टाइम से टाइम जो भी पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज, उन्होंने ये डिमांड की कि ज्यादा से ज्यादा पावर जो है स्टेट को दी जाए, जैसे कि तमिलनाडु में जो है डीएमके पार्टीज, अकाली दल पंजाब में, इन सबकी टाइम टू टाइम यही डिमांड रही कि स्टेट्स को ज्यादा पावर दी जाए। दूसरी जो थी डिमांड वो ये थी कि जो रेवेन्यू है, जो पैसे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने की भी ज्यादा कंट्रोल जो है वो स्टेट को दिया जाए, क्योंकि स्टेट निर्भर करती है सिर्फ केंद्र सरकार पर कि वो कितने पैसे देगी, कितने ग्रांट्स देगी, और जितनी भी फीस टैक्सेस वो अलॉट कर सकते हैं वो बहुत छोटा उसका एक पोर्शन वो जो है लॉ कर सकते हैं, इनैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उनकी ये डिमांड थी कि उनको ज्यादा फाइनेंशियल अटोनमी मिले, कि पैसों के मामले में भी उनको ज्यादा अटोनमी मिले, ताकि उस पैसे को वो खर्च कर सके और देश को अपने पर्टिकुलर राज्य को वो प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। तीसरा ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उसमें भी उनको अटोनॉमी मिले, कि भाई आप गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं जो है राज्य की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, आप आईएएस ऑफिसर्स को ला रहे हैं तो उनके सर्विस कंडीशन में भी राज्यों की इंटरफेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थली वॉज रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशूज, ठीक है। कल्चरल लिंग्विस्टिक इशू का क्या था कि उस समय पे बहुत ज़्यादा हिंदी डोमिनेशन देखी जा रही थी, कि हिंदी लैंग्वेज को बहुत जो है प्रोमिनेंट रखा जा रहा है, उनकी डोमिनेशन की जा रही है, तो सभी चाह रहे थे कि उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जाए। वो तभी हो सकता है जब राज्यों के पास ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा अटॉनमी हो, तो हर राज्य जो है अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करेगा, ना कि हिंदी को, ठीक है। हम देखेंगे साउथ इंडिया में हिंदी उतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है, उनका हमेशा ये रहा है कि हिंदी को ज़्यादा उन पर फोर्स ना किया जाए। तो इसी तरह की जो है डिमांड रही राज्यों की, ठीक है। और ये भी देखा गया कि जब कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आया ना, तो जब कभी भी ऐसा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के निर्देशों के हिसाब से काम नहीं करती थी, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? आर्टिकल 356 जो है हमारे संविधान में, आर्टिकल 356 हमारे संविधान में बात करता है एमरजेंसी की, स्टेट एमरजेंसी की। एक तो होती है नेशनल एमरजेंसी, जो कि वॉर, अगर देश में कभी वॉर हो गई या इंटरनल कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट हो गया कि देश जो है किसी तरह की विपत्ति में है, तो नेशनल एमरजेंसी लगाई जाती है, पूरे देश में होता है उसका इंपैक्ट। लेकिन प्रेसिडेंट रूल या स्टेट एमरजेंसी क्या है कि ये किसी एक पर्टिकुलर राज्य में लगाई जाती है, और ये कौन प्रोक्लेम करता है? कि प्रेसिडेंट द्वारा प्रोक्लेम की जाती है। आर्टिकल 356 ये कहता है कि जब कभी भी गवर्नर को ऐसा लगे कि राज्य की सरकार संविधान के निर्देश के हिसाब से काम नहीं कर रही, या केंद्र के निर्देशों के हिसाब से काम नहीं कर रही, तो गवर्नर जो है, गवर्नर एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को टू प्रोक्लेम प्रेसिडेंट रूल, और ऐसी कंडीशन में जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो सस्पेंड हो जाती है, और सारा का सारा कंट्रोल जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक तरह से केंद्र, प्रेसिडेंट भी केंद्र सरकार के निर्देशों के हिसाब से काम नहीं कर सकता, ही हैज टू वर्क, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो आर्टिकल 356 कहता है कि गवर्नर को जब ये लगे कि जो राज्य सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से काम नहीं कर रही, तो वो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रूल इनैक्ट किया जा सकता है, प्रोक्लेम किया जा सकता है। और ऐसा हुआ बिना कोई ठोस सबूत के, ये चीजें की गई। केंद्र में एक पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, राज्य में अलग पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, राज्य अगर उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, और बहुत बार हुआ। और फाइनली ये जो बात है ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगा, ठीक है। और ये चीज जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर भी नहीं थी पहले, कि भाई इस पे जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार या कमीशन बिठाई जाती है, ठीक है, इस चीज पे चेक करने के लिए कि ये बड़े फ्रिक्वेंटली जो प्रेसिडेंट रूल लगाए जा रहे हैं वो सही है कि गलत है। और फाइनली जो है इट सबमिटेड अ रिपोर्ट इन 1988 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, एग्जामिन करती है, और ये कहती है कि पावर एंड रोल ऑफ गवर्नर बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर वन मोर जस्ट अस ओके 1988 में टू एग्जामिन द इशू रिलेटिंग टू सेंटर एंड स्टेट रिलेशन रेकमेंडेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रिक्टली नॉट पार्टीशन। कहने का मतलब जो सरकारी कमीशन बिठाई जाती है कि भाई गवर्नर भी एजेंट ऑफ सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, जब वो जब कभी भी प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए, और प्रेसिडेंट रूल लाया जा रहा है, और राज्य से की सरकार की कोई वैल्यू नहीं रह रही। तो सरकारी कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाती है, पूरा एनालिसिस करती है, और ये कहती है कि गवर्नर की जब भी अपॉइंटमेंट हो वो पार्टी के बेस पे नहीं होनी चाहिए, वो नॉन पार्टीसन होनी चाहिए। एक और रीजन हुआ, एक और कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ, जो कि मैं आपको प्रेसिडेंट रूल की बात कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनली जो है वर्डिक्ट दिया
ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल कैन बी एग्जामिन्ड बाय द जुडिशरी। ठीक है, 1967 में फाइनली ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है कि बिना किसी ठोस रीजन के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जा रहा है राज्यों पर और राज्य की सरकारों को जो है एक तरह से कहीं निष्कासित कर दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, ये बात कही कि भाई कभी भी अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा ना तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसकी चेक कर सकती है। ठीक है, और अगर ये लगता है कि वो बिना किसी ठोस सबूतों के, बिना किसी ठोस रीजन के लगाया गया है, जस्ट ऑन द बेसिस की डिफरेंट पार्टीज थी, पॉलिटिकल रीजंस, तो वो हटा दिया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 356 में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। और फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर इन 19। और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए ना आर्टिकल 356 का सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बार राज्य की सरकारों को हटाया है। ऐसा जम्मू कश्मीर में भी हुआ है और आंध्र प्रदेश में भी हुआ है। ठीक है, लेटर ऑन नए राज्यों की डिमांड्स होती रही हैं, जब कभी भी कोई एक पर्टिकुलर रीजन एक राज्य में डेवलप नहीं हो पाता तो उसकी ये डिमांड रहती है कि उसे सेपरेट कर दिया जाए उसके राज्य से, ताकि उसकी एक सेपरेट मशीनरी हो एडमिनिस्ट्रेशन की और वो प्रोग्रेस कर पाए। और उसी के रिजल्ट में हमने देखा कि बहुत से नए राज्य बने रिसेंटली, जो 2014 में था उसमें आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके बनाया गया तेलंगाना, और अगर अभी हम रिसेंट वाला देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर से सेपरेट कर दिया गया लद्दाख को और उसे एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, तो रीजन वही होता है, रीजन वही होता है कि जब एक पर्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में रह रहा है, नेग्लेक्टेड रह रहा है। ठीक है, तो ये जो पावर है दैट इज विद द पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द, हमने कहा कि सेंटर और स्टेट का कंफ्लिक्ट हमने देख लिया कि सेंटर और स्टेट में कंफ्लिक्ट रहता रहा है, कि सेंटर स्टेट हमेशा डिमांड करता रहा है कि उसे और अटोनमी मिले, फाइनेंशियल अटोनमी मिले, एडमिनिस्ट्रेशन में मिले। ठीक है, अब क्या स्टेट, दो स्टेटों के बीच में भी कंफ्लिक्ट होता है? जी हाँ, दो स्टेट्स के बीच में भी होता है, दो तरह के कंफ्लिक्ट होते हैं। सबसे पहला कंफ्लिक्ट तो आ जाता है बाउंड्री से रिलेटेड, ठीक है, इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, अभी हमने स्टेट और सेंटर की बात की, और जब हमने जुडिशरी पढ़ा था तो हमने देखा था स्टेट और सेंटर का कंफ्लिक्ट हो तो वो किसके पास जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। इंटर स्टेट हो तो भी किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब इंटर स्टेट में दो तरह के कंफ्लिक्ट होते हैं, एक होता है बाउंड्री को लेकर और दूसरा होता है रिवर वाटर को लेकर। बाउंड्री का क्या कि कौन सा रीजन किसके अंडर आएगा इसको लेके, क्योंकि क्लियर कट आप एक तरह से कहें ना बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है, तो ये हमेशा कंफ्लिक्ट जो है स्टेट्स में देखने को मिला है। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है महाराष्ट्र और कर्नाटका में ओवर द सिटी ऑफ बेलगांव। बेलगांव एक सिटी है, महाराष्ट्र भी कहती है कि वो उसके रीजन के अंदर आती है और कर्नाटका का भी ये मानना है कि वो उनके रीजन के अंडर बिलोंग जो है आती है। और सिमिलर जो है डिस्प्यूट मणिपुर और नागालैंड के बीच में भी है। ठीक, और ऐसा ही हुआ था हरियाणा और पंजाब में भी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चंडीगढ़ जो जगह है उसे कॉमन कैपिटल बनाया गया है पंजाब और हरियाणा, क्योंकि जो चंडीगढ़ है उसमें दोनों का ही अधिकार हो रहा था, दोनों ही कह रहे थे कि ये उनके रीजन में आते हैं, इट शुड बी बिलोंग टू देयर पर्टिकुलर स्टेट, एंड एट द एंड वो बन गई कॉमन कैपिटल ऑफ बोथ द कंट्रीज, सॉरी स्टेट्स। ठीक है, दूसरा डिस्प्यूट है जो मैंने आपको कहा रिवर वाटर को लेकर, क्योंकि रिवर वाटर पे बहुत डिपेंडेंट है, रिवर वाटर आपको पावर जनरेशन के लिए भी चाहिए, इरिगेशन के लिए भी चाहिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी चाहिए, तो कितना पानी किसके पास आएगा? अगर एक रिवर दो या तीन स्टेट से होकर गुजर रही है तो उसके रिवर वाटर के शेयरिंग में जरूर कन्फ्लिक्ट होता है। अपर पोर्शन पे अगर कोई स्टेट है तो वो ज्यादा पानी को रोक के लोअर स्टेट को कम पानी जो है पास ऑन करती हैं और लोअर स्टेट जो है कहीं ना कहीं घाटे में रहते हैं, और इस तरह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। जैसे आपने न्यूज में अक्सर देखा होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, कावेरी नदी का रिवर के विभाजन पर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो है काफी देर तक ये डिस्प्यूट चलता है। और नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, दैट इज ऑन द नर्मदा रिवर, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ऑल्दो काउंसिल बिठाई जाती है, रिवर काउंसिल होती है जिसको गठन किया जाता है जो कि ये डिसाइड करे, स्टिल कोई भी क्लियर कट आप एक तरह से बोले डिसीजन नहीं लिया गया, ये डिस्प्यूट अभी भी कॉन्टिन्यू है। ठीक, ना जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट वाज द स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट्स।
ऑल दो फेडरल स्ट्रक्चर है, हर एक स्टेट के पास उसकी राज्य सरकार होगी, लेकिन कुछ फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रावधान रखे गए हैं। जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के पास था 370 आर्टिकल था, अब 2019 के बाद ये हटा दिया गया, अब हो गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना, अब वो रिड्यूस हो गया टू द लेवल ऑफ यूनियन टेरिटरी। 370 आर्टिकल जो था ना, इसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना एक संविधान था, अपना एक फ्लैग था, फाइनेंशियल इमरजेंसी वहां नहीं लग सकती थी, केंद्र के सारे कानून वहां लागू नहीं होते थे, अगर कोई कानून वहां लागू करना है तो राज्य की जो सरकार है उसका अप्रूवल जरूरी था, सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस में ही केंद्र सरकार जो है वो लागू कानून अपने बना सकती थी, और जो वहां की असेंबली थी विधानसभा उसके भी 6 साल का जो है टाइम पीरियड टेन्योर था। तो इस तरह से बहुत से डिफरेंस फीचर उसको दिए गए थे, और उसका रीजन क्या था कि जब देश आजाद हुआ ना तो जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट मतलब जहां पे राजा थे उस टाइम पे, वहां पर राजा हरि सिंह थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट। और जब देश आजाद हुआ तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में सरकार ने जो ब्रिटिश सरकार ने जो इंडिपेंडेंस एक्ट लाया 1947 का, उसमें ये कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स के पास अपना अधिकार है कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिपेंडेंट। तो उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर ने ये डिसाइड किया कि ना वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना ही भारत के साथ, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन देश के आजाद होते ही कुछ देर बाद पाकिस्तान ने वहां पर अटैक कर दिया, और जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह के पास उतनी पावर नहीं थी, और उन्होंने जो है हेल्प मांगी भारत सरकार से, और इन द आप एक तरह से कहें इन द रिजल्ट उनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के साथ उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया जिससे जम्मू एंड कश्मीर पार्ट हो गया भारत का, ठीक है, और यहां से जो भारतीय फौज ने हेल्प की और जो भी मिलिटेंट जिन्होंने भी अटैक किया था उन्हें खदेड़ा, ठीक है। तो उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हो गया तो इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बेस पर कुछ स्पेशल फीचर रखे गए ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं उनको भी अपनी राइट्स की जो प्रोटेक्शन है वो महसूस हो। इसके अंडर ही लिखा गया था 370 आर्टिकल जिसके अंडर उनको काफ़ी प्रोविजंस दिए गए थे, बट इन प्रोविजंस का बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ। लॉन्ग टर्म में हमने देखा सेशनिस्ट एक्टिविटीज़ हुई, मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हुई, और अब एट प्रेजेंट अगर आप बात करें तो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ला दिया गया जिसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लद्दाख को उससे अलग कर दिया गया है, लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, यस, और साथ ही जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था अब उसका पास अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सेपरेट फ्लैग नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें भी 5 ईयर का टेंड्योर है, तो बहुत सारे चेंजेस लाए गए, ठीक है। एक है जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा एग्जांपल है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जब हम बात करते हैं तो वो सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ उनका बॉर्डर शेयर होता है, और साथ में एथनिक और डाइवर्सिटी भी वहाँ पे बहुत है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी बहुत है, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए रखे गए हैं, ठीक है। आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की, आसाम की, नागालैंड की, तो एक सेपरेट आर्टिकल्स इनके बारे में लिखे गए हैं कि उनके पास थोड़ी ज्यादा ऑटोनॉमी है अपने पर्टिकुलर रीजन्स को एडमिनिस्टर करने की, क्योंकि वो ट्राइबल हैं, उनके अपने इथोस हैं, अपने कल्चरल हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनको भी प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है। सो सिमिलरली कुछ रीजन है महाराष्ट्र और गुजरात के भी, विदर्भा रीजन जिसे हम कहते हैं, उन्हें भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, ठीक, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडेस चैप्टर फेडरलिज्म, जिसमें हमने फेडरलिज्म क्या होता है वो जाना, हमने जाना कि हमारे संविधान में हमारा फेडरलिज्म जो है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान लिखे गए हैं, किस तरह का फेडरलिज्म भारत में पाया जाता है जो कि सेंटर की तरफ टिल्ट है, फिर हमने सेंटर और स्टेट के कन्फ्लिक्ट्स को देखा और हमने स्टेट और स्टेट के कन्फ्लिक्ट्स को भी देखा, साथ ही कुछ स्पेशल प्रोविजन की भी बात की जो कुछ राज्यों को दे गए। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।